पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना आप तीन डेढ़ डेढ़ घंटा अगर आप दे पा रहे हैं यही बहुत है, और हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप ये डेढ़ घंटा फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। आप इस चीज को समझिए, ठीक है। आपकी तीन क्लासेस हैं, मैं 5-10 मिनट भी एक्सटेंड करूंगा तो दूसरी क्लास के लिए आपके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हम आप सभी लोगों को जानते हैं कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना आप तीन डेढ़ डेढ़ घंटा अगर आप दे पा रहे हैं यही बहुत है, और हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप ये डेढ़ घंटा फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। आज हम लोगों ने कुछ एडवांस के क्वेश्चंस भी करे हैं, इसी प्रकार से मैं एडवांस के क्वेश्चंस बीच बीच में आपके थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने के लिए लेता रहूंगा, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। वो हमेशा हमारे थॉट प्रोसेस को किक देगा अगर आप एक कांस्टेंट चीज पढ़ते चले जाएंगे। भाई देखो, मैंने आपको कहा था 11th क्लास जो अर्जुना पुराने होंगे उनको समझ आएगा, जब मैंने कहा था कि भाई 12वीं में इसका रूप दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। एडवांस कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक चैप्टर में आपने एडवांस कर ले तो आप तैयार हो गए। एडवांस में मल्टीपल चैप्टर्स मिक्स होते हैं और कई बार उस चैप्टर की दूसरे चैप्टर की एनालिसिस आपको यहां मदद करती है, तो धीरे धीरे आपके एडवांस का एप्टीट्यूड बनता है, ठीक है। और वो अब समय आ चुका है, अब आप हर क्लास में कुछ ना कुछ आपको एक ऐसा चीज मिलेगा जो आपके थॉट प्रोसेस को किक करेगा और वाइडन करने में मदद करेगा, ठीक है। ये कोई भी डाउट होगा प्लीज आप आस्क अ डाउट में जाके अपनी स्लाइड को पकड़ के डाउट पूछिए। और मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वैसा सिमिलर डाउट है तो प्लीज आप अपवोट कर दीजिए, आपको भी जवाब आ जाएगा, मेरे लिए आसान रहेगा। क्योंकि मैं बहुत सारे डाउट्स तो नहीं ले पाऊंगा, 30-40 डाउट्स ले पाऊंगा अगर, तो भी अगर आपने अपवोट कर रखा है तो आपके पास भी जवाब आएगा, ठीक है।